पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह वो रेजिडेंशियल सेक्टर है। लम्स क्यों ये क्लेम करता है या हमारी ये रिसर्च ये क्यों क्लेम करती है कि रेजिडेंशियल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की बुनियादी वजह है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब एनर्जी की बात होती है तो अक्सर हम ना घरों की बात नहीं करते, हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, हम कमर्शियल स्पेसिस की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी एस्टोनिशिंग फिगर है कि जब हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो 53% ऑफ द टोटल लोड वो घरों को दिया जा रहा है आउट ऑफ 100। हमारे सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा लोड के अंदर, अगर आपका एक एवरेज साइज का घर है कोई 10 मरला का, तो वो विंटर्स के अंदर 300-350 यूनिट कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन वही घर जो है समर्स के अंदर 1,000, 1,100, 1,200 यूनिट कंज्यूम करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि समर के अंदर हमारी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है। सो दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर एनर्जी सेक्टर।